आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बैंक जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकें। तो अगर आप भी अपना अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन ही घर बैठे अपना अकाउंट अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, इसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, इसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद गेट स्टार्टेड। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद परमिशंस को अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको तीन टाइप के अकाउंट देखने को मिलेंगे, एक है प्लस अकाउंट, एड्ज अकाउंट और अल्ट्रा अकाउंट। किसी भी अकाउंट की डिटेल चेक करने के लिए एक्सप्लोर बेनिफिट्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट के कंप्लीट बेनिफिट देख सकते हैं, जैसे कि इस अकाउंट को खोलने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और ये अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखना है और इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको नो मोर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके अकाउंट के और भी बेनिफिट्स देख सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ अप्लाई, इस पर ओके करेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको टोटल 4 स्टेजेस कंप्लीट करनी है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालेंगे, इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, इसके बाद एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, नॉमिनी और एडिशनल सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपकी ईमेल पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक से आपको पहले ईमेल को वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से एक लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पर ओके करके आप ईमेल को वेरीफाई करेंगे। ईमेल हैज बीन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आपको वापस एप्लीकेशन में आना है। इसके बाद अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आप माइनर नहीं है, आई एम नॉट ए माइनर, इस बॉक्स को चेक करेंगे। आप इंडियन रेसिडेंट है, इस बॉक्स को चेक करेंगे। और आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, इसको भी आप चेक करेंगे। आई एम नॉट ए एग्जिस्टिंग कस्टमर, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं है तो इसको भी चेक करेंगे। आप इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं तो इसको भी चेक करेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ इस पर ओके करेंगे और यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, इस पर ओके करेंगे, एक्सेप्ट। सीकेवाईसी टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इस पर ओके करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी वो डिटेल्स यहाँ पर फेच हो जाएगी, जैसे कि आपका नेम, आपका आधार कार्ड में जो फोटो होगा वो फोटो आ जाएगा, आपका कंप्लीट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। आपके पिन कोड पर जितनी भी ब्रांच अवेलेबल होगी आप किसी भी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट ब्रांच पर ओके करेंगे। उन सभी ब्रांच की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पिन कोड पर सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है तो हम इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस देख सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले फादर्स नेम टाइटल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद मदर्स नेम डालेंगे, पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप में कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो इसको यस करेंगे और डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको नो रखेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको एनुअल ग्रॉस इनकम बतानी है, आपकी साल की कितनी इनकम होती है। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, फिर आपको नॉमिनी की डिटेल्स भी डालनी होंगी। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको नो रखेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको एडिशनल सर्विसेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट रहेगा। आप अगर यूपीआई भी लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है।
आप एक बार सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लगती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फिर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एक URN नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए आप कंप्लीट योर वीडियो KYC, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपको वीडियो KYC के लिए डेट सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी डेट में वीडियो KYC करना चाहते हैं। यहाँ पर मंथ और ईयर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट डेट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी डेट में आप KYC करना चाहते हैं। आप सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक किसी भी टाइम अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेट, इसके बाद टाइम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद शेड्यूल वीडियो KYC, इस पर ओके करेंगे। आप जिस डेट और जिस टाइम का भी स्लॉट बुक करेंगे, इसके बाद आपको उसी टाइम में वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी, इसको ओके करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर वीडियो KYC के लिए लिंक शेयर किया जाएगा। आप जो भी टाइम और डेट सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करनी है। वीडियो KYC कंप्लीट करने के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर इंस्टेंट ही दे दिया जाएगा और चेकबुक और ATM आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड किया जाएगा। इसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आपको इसी एप्लीकेशन पर आ जाना है। इसके बाद ऑलरेडी ए कस्टमर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन इनटू BOB वर्ल्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी बैंकिंग डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे मोबाइल बैंकिंग में, जहाँ से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। सो लाइव वीडियो KYC आपको कैसे कंप्लीट करनी है, इस पर भी एक वीडियो आएगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। बाकी अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।